हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ की जाने वाली एक टर्मिनोलॉजी और एक अप्रोच जिसे हम कंसाइनमेंट स्टॉक कहते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक की ये जो टर्मिनोलॉजी है ये फर्दर डेरिवेट हुई है एक ओल्डर फ्रेज ऑन कंसाइनमेंट से, जहां कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी स्टॉक जो है वो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है सिर्फ इस बेसिस पे कि कस्टमर सिर्फ उतनी ही पेमेंट जो है एक सप्लायर को देगा जितना कि वो उस प्रोडक्ट को या मटेरियल को उस कंसाइनमेंट स्टॉक में से यूज़ करेगा। रेस्ट ऑफ दी अनयूज्ड और अनसोल्ड प्रोडक्ट और मटेरियल जो है वो उस सप्लायर को रिटर्न कर दी जाएगी। सो इट मींस के कंसाइनमेंट स्टॉक वो इन्वेंट्री है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे और एक रिटेलर पे डिलीवर की जाती है विदाउट एनी पेमेंट और इवन अ परचेज ऑर्डर, और कस्टमर सिर्फ उतना ही परचेज ऑर्डर एक सप्लायर के साथ शेयर करता है और उतनी ही पेमेंट जो है वो रिलीज करता है जितना कि कस्टमर उस ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक में से प्रोडक्ट को या मटेरियल को यूज़ करता है। ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑल दो होता कस्टमर की ही फैसिलिटी पे है, बट जो ओनरशिप है वो उस सप्लायर की ही होती है, और ये ओनरशिप एक कस्टमर को तब डिलीवर की जाती है जब एक कस्टमर उस ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक में से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल जो है वो यूज़ करता है। ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक की बेहतरीन एग्जाम्पल हमें इस रिटेल सेक्टर में देखने को मिलती है, जहां कंसाइनमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए एक सप्लायर न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रपोज करता है किसी भी रिटेलर को, और एक रिटेलर सिर्फ उतनी ही पेमेंट एक सप्लायर को देता है जितना कि न्यू प्रोडक्ट वो रिटेलर जो है वो सेल करता है। सो इट मीन्स के जो फाइनेंशियल रिस्क है और जो सेल्स बेनिफिट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू दी सप्लायर और टू दी रिटेलर। There are few benefits, there are few advantages and disadvantages at the both side, either at the supplier side or at the customer side. एक supplier के advantages की हम बात कर लें तो एक supplier के लिए on consignment stock का सबसे बेहतरीन advantage ये है कि customer जो है सिर्फ उसी supplier का stock जो है वो use करता है। Reason is कि customer की facility पे सिर्फ on consignment stock के basis पे वही stock जो है वो available होता है, और जो financial risk है वो भी इक्वली शेयर्ड होता है, ख़ास तौर पे उस प्रोडक्ट या उस मटेरियल के लिए जो कि उस कस्टमर ने ऑर्डर ही नहीं किया। डिसएडवांटेजेस एट द सप्लायर साइड जो है वो ये होता है कि एक सप्लायर को जो है वो लॉन्ग वेट करना पड़ता है फॉर द पेमेंट, और चूंकि स्टॉक जो है वो कस्टमर की फैसिलिटी पे होता है तो डैमेजेस भी जो हैं वो प्रोडक्ट के काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं इन योर सप्लाई चेन वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एट द कस्टमर साइड की अगर हम बात कर लें तो एक कस्टमर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, चूंकि ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक बेसिस पे जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होता है एट द फैसिलिटी, तो कस्टमर किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन इन डिमांड को, या अगर से तो कोई सडन डिमांड जो है अराइज होती है उसे टाइमली फुलफिल कर पाता है और टाइमली कैटर कर पाता है। सेकेंड एडवांटेज एट द कस्टमर साइड जो है वो ये होता है कि कस्टमर जो है सिर्फ उतनी ही पेमेंट एक सप्लायर को रिलीज़ करता है जितना कि उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को वो यूज़ करता है ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक से। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक एट द कस्टमर साइड की अगर हम बात करें तो एक कस्टमर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और एक कस्टमर को जो है वो सफिशेंट स्पेस जो है वो चाहिए होती है, और एक सफिशेंट स्पेस रिक्वायर होती है टू परफॉर्म दी स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। सो दीज ऑल वर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक एट दी सप्लायर साइड और एट दी कस्टमर साइड, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू एड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।